हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जे के पेपर्स तो आज हम आपके लिए लाए हैं टेंथ का साइंस पेपर जो कि आज ही कंडक्ट किया गया है यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थर्टी सिक्स है टोटल टाइम आपको इस पेपर में तीन घंटे मिलते हैं इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर में एटी होते हैं हम आपको इस वीडियो में एम के आंसर्स भी बताएंगे आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सबसे पहले यहाँ पर है जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि हम नहीं पढ़ेंगे आपको ये पता ही होगा तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं सेक्शन ए पर सेक्शन ए में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वाटर इन टू एयर विल इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल आपको पता ही होगा कि यहाँ पर वाटर डेंसर मीडियम है येर यहां पर रेयर मीडियम है सो यहां पर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो ये रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी ये टूवर्ड द नॉर्मल बैंड नहीं करेगी सेकंड क्वेश्चन यहां पर है नेम द मिरर विच कैन गिव इरेक्ट एंड एलार्जेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसका जो आंसर है वो है कनकेव मिरर तीसरा क्वेश्चन है टाइप ऑफ लेंस हैज ए पॉजिटिव पावर इसका जो आंसर है वो है कन्वेक्स लेंस इसके साथ आ रहा है डाइवर्जिंग लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ मीटर्स इज इट्स पावर इसका जो पावर होगा वो है माइनस टेन डाप्टर्स फोर्थ क्वेश्चन है दलर्ड लाइट हैविंग द मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म इज इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी येलो फिफ्थ क्वेश्चन है आउट ऑफ ए एसी जनरेटर एंड ए डीसी जनरेटर विच वन यूज इज ए कोम्यूटेटर इसका जो आंसर है वो है डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर कोम्यूटेटर यूज करता है करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए सिक्स क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ शार्ट सर्किट वॉट हैपन टू द करंट जब शॉर्ट सर्किट होता है जो लाइव और न्यूट्रल वायर होते हैं वो आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो जो करंट है वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है जिसकी वजह से करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है सेवन्थ क्वेश्चन है द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल वॉज प्रपोज बाई इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी बोहर एट क्वेश्चन यहाँ पर है नेम द फंक्शनल ग्रुप विच द मिडल ऑफ द कार्बन चेन इसका जो आंसर है वो है कीटोन ग्रुप इसके साथ कार्बन होता है जब हम इसको बर्न करते हैं ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है जिसकी वजह से इसमें निकलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन है, है इसका जो आंसर है वो है helium. टैनथ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वाशिंग सोडा क्रिस्टल इज इसका जो आंसर है वो है टैन अलवनथ क्वेश्चन यहां पर है डू आल सेल्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी ट्वेल्थ क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनिज्म हैज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थर्टीथ क्वेश्चन हैजर नेम ऑफ सेक्स सेलस अब यहाँ पर है असरशन रीजन क्वेश्चन फोटीन में एसरशन है सुपोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज रीजन में इसके है दॉडी सिम्पली ब्रेकस अपॉलर पीसिस फिफ्टीथ क्वेश्चन में असर्शन है नेचुरल रिसोस नीड टू बी यूज केयरफुली। रीजन में यहाँ पर लिखा है रिसोर्स आर फाइनाइट इन सप्लाई एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज ट्रमेंडसली इंक्रीजिंग सिक्सटीथ क्वेश्चन में असर्शन है द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमानड बाई द मदर रीजन में यहां पर लिखा है ह्यूमज हव टू टाइपस आफ क्रोमोजोम एक्स एक्स एंड एक्स वाई सेवनटीन क्वेश्चन यहां पर है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर फोर क्वेश्चन यहां पर एक शॉर्ट पैसेज दी गई है पैसेज यहां पर है ऑल द इलेक्ट्रिकल हीटिंग हैव हीटिंग एलिमेंट विच हेल्पस इन कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी पहला ऑब्जेक्टिव नीचे है द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर यूजली मेड ऑफ इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी निक्रोम सेकेंड ऑब्जेक्टिव यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सूटेबल फॉर ए फ्यूज वायर इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी थिक एंड शॉर्ट तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है दीट प्रोड्यूसड बाई पासिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए थ्रूस्टर इज प्रपोशनल टू द स्कर ऑफ इसका जो आंसर है वो है करंट जो कि जूलस लाफ हीटिंग कहलाता है फोर्थ ऑब्जेक्टिव यहां पर है इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फ रजिस्टर इज द हीट प्रोड्यूसड इन इट विल बिकम इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी फोर टाइम्स फिफ ऑब्जेक्टिव है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्कस ऑन द इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एटीथ क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर इनी फोर क्वासचनज एन एसिड इज अ अबस्टेंस विच ऑन डिंग इन वाटर टू टेस्ट फॉर एसिडिस इंडिकेटर्स आर यूजड पहला ऑब्जेक्टिव इसमें है द इंडिकेटर्स विच टर्न रेड इन एसिड सोलूशन आर इसका जो आंसर है वो है लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज सेकंड ऑब्जेक्टिव यहां पर है द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज दैट दे इसका जो आंसर है वो है दे हैव सोर टेस्ट तीसरा ऑब्जेक्टिव है द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस ए पिंक कलर इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन इज इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी फिनापथेन फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड दिस इज इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी कार्बोनिक एसिड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव यहां पर है द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड इज इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी दे फील सोपी 19th question here read the following passage and answer any four questions passage hai, both plants and animals react bracket may respond to various stimuli around them but the method is not similar to plants and animals the control and coordination in higher animals takes place through nervous system इसमें नीचे ऑबजेक्टिवज़ है पहला ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इसका जो आंसर है वो है सेरिबेलम सेकंड ऑब्जेक्टिव है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्वस विच एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड इज इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी थर्टी वन पेयरस तीसरा ऑब्जेक्टिव यहां पर है द स्पाइनल कार्ड ऑरजिनेट्स फ्रॉम इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी मेड्यूला फोर्थ ऑब्जेक्टिव है द इनवॉलेंट्री एक्शनज इन बॉडी आर कंट्रोल्ड बाई इसका जो आंसर है वो है मेड्यूला इन हाइंड ब्रेन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है सेरिबेलम मेड्यूला एंड पॉन्स आर पार्ट्स आफ इसका आंसर है ऑप्शन बी हाइंड ब्रेन अब यहां पर है ट्वेंटी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर फोर क्वेश्चन पैसेज है फूड कंटेन एनर्जी एंड दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन आर्गेजम टू अदर थ्रू फूड चेनज पहला ऑब्जेक्टिव इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगस्ट फूड चेन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रास गोट एंड ह्यूमन सेकंड ऑब्जेक्टिव है इन ए फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट फोटोसिंथेटिक तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है इन ए फूड द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज आलवेज ऑक्यूपाइड बाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्निवोर्स फोर्थ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंज्यूमर दैट वन इज इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी एल फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है इन द फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ ए स्नैक ग्रास इंसेक्ट एंड फ्रॉग द सेकेंडरी कंज्यूमर इज इसका जो आंसर है वो है फ्रॉग अब यहाँ पर है सेक्शन बी सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द ह्यूमन आई पहला पार्ट है वायर आर दे फाउंड सेकंड पार्ट इसका है व्हाट इज ईच टाइप कॉल्ड इसके साथ और है मेक टू डायग्राम्स टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ट्वेंटी सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है टू रजिस्टर्स विद रेजेंस टू ओम एंड फोर ओम रेस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड कनेक्ट अटरी ई एम एफ सिक्स वोल्ट सो दैट टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट फलोइंग फाइंड द करंट इन दैट केस इसके साथ आर है फाइंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय ए हंड्रेड वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इन वन मिनट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है स्टेट फिलमेंगस लेफ्ट हैंड रूल ट्वेंटी फिफ्थ क्वासचन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिव वन एग्जांपल ट्वेंटी क्वेश्चन है व्हाट आर एम्फोटेरिक गिव टू एम्फोटेरिकाइडसम्पल्स अब यहाँ पर है सेक्शन सी सेक्शन सी में ट्वेंटी क्वेश्चन है वाई आर फॉसिल फॉसलफ्यूल क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसके साथ आर है वट इज़ बायोमास गिव थ्री ऑफ इट Question number 28 is what is meant by displacement reaction and double displacement reaction I explain with the help of one example each ट्वेंटी नाइन कसन है हाउ डज दाइज आफ आटम जनरली वेरी आन गोइ फ्र्राम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियाडिक टेबल वाई डज इट वेरी दिस वे क्वासचन नंबर थर्टी है वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिनरल एंड एन और नेम वन और आफ सोडियम रे कैमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कम्पाउंड प्रेजेंट इन दिस और कश्चन नंबर थर्टी वन है एक्सप्लें वजिटेटिव प्रेपगेशन वित दल्प ऑफ टू एगजैम्पल्ज लिस्ट टू एडवान्टेजस क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है व्हाट इज मेड बाई एक्वाड एंड इनहरटिड ट्रेट्स एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल ईच क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अब यहां पर है सेक्शन डी सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है कंस्ट्रक्ट ए इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस सेकंड पार्ट इसका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इमेजेस फॉर्मड एबो इसके साथ रहा है सीटेड थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ़ द इजारम बाय ए कनवेक्स मिरर। बी पार्ट इसका है एन ऑब्जेक्ट वन सेंटीमीटर टाल इज प्लेसड थर्टी सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ़ ए कनवैक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ टुवेंटी सैटमीटर्स फाइंड साइज एंड पुजेशन ऑफ द फॉर्मड बाय द दनवैक्स मिरर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है गिव द मालिकूलर फार्मूला ऑफ वन होमोलॉजी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यहां पर कंपाउंड दिए गए हैं आपको इनके यहां पर मालिकुलर फार्मूला बताने हैं बी पार्ट इसका है व्हाट इज द डिफरेंस इन द मालिकुलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉजीज सी पार्ट इसका है बाई हाउ मेनी कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स डू एनी टू एडजेसेंट होमोलॉजीज डिफर इसके साथ आर है एक्सप्लेन द टर्म आइसोमर्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर्स बी पार्ट इसका है राइट द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन ऑफ आइसोमर ऑफ हेप्टेन सी पार्ट है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन आर पॉसिबल नीचे चार हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं आपको बताने हैं कि इनको कितने कितने आइसोमर्स बनेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है इसमें पहला पार्ट है डिफाइन न्यूट्रिशन इज़ न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म बी पार्ट इसका है व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन ईच मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जांपल इसके साथ आ रहा है नेम द वेरियस ऑर्गनज ऑफ़ द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड ड्रा द डायग्राम बी पार्ट इसका है वट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमनज सो ये इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन था होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना